सबसे फर्स्ट घर हम लोग सिद्धार्थ जी के घर गए। सिद्धार्थ जी का घर हम लोग का अपना परिवार का घर है, अपना परिवार ही है। उनके घर गए, उनके घर प्रसाद लिए, फिर वहाँ से निकले नेक्स्ट घर के लिए। साढ़े नौ पौने दस में आई यहाँ से। आज जाने का कोई प्लान नहीं था, अचानक फोन आया कि पापा को तबियत खराब है। यहाँ से गए तो पापा खराब नहीं थे, वो सुतर थे नींद से, जगा के उठा के पानी पिलाया। वहाँ के प्रसाद में अरवा चावल और दाल और रोटी और जो भी बड़ी उड़ी बनता है वो था। हम लोग छठ के में आए हैं प्रसाद लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं एक जगह एक डॉगी है, वो मेरे पैर लगा के ऐसे सो गया है। देख सकते हैं ये जिमी से बड़ा लग रहा है देखने में, तीन चार साल का होगा, चार पाँच साल का है, बड़ा है। हाँ लगता है हमारे बॉडी से इसको खुशबू लगा होगा डॉग का, इसलिए आ करके यहाँ पर सो गया है। हम देख सकते हैं इस तरह से सेकेंड घर है। यहाँ हम लोग नर्सिंग से बिलोंग करते हुए दोस्ती है, उनके घर आए हैं। ये मेरा चौथा घर है, यहाँ पे मेरा छठ हो रहा है। ये सन्नी का घर है, आप सन्नी को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मेरे पीछे के वीडियो में जाके देखिएगा। जिम्मी बच्चा था तो सन्नी के साथ ही आया था, खरीदा के सन्नी खड़ा है, तो यहीं पर मेरा छठ हो रहा है। तो अब हम ये चौथा नंबर में यहाँ आए हैं। लगता है कि टोटल एक दो तीन चार चार घर हमने कलेक्ट कर लिया है। प्रसादी मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। और चौथा घर के बाद अब पांचवा घर जा रहे हैं यहाँ पे, तो पांचवा घर का आप लोग को दिखाते हैं। ये पांचवा घर का इनवाइट जिम्मी के पापा को मिला है, तो जिम्मी के पापा आज नहीं गए हैं, जिसके वजह से इसका यहाँ का हाजिरी हम बना है, इसलिए इस घर पर हम गए हैं। जिम्मी के वजह से दोस्ती है क्यों? क्योंकि इनके पास भी दो डॉग हैं और पवेलियन, जिसकी वजह से हम लोग को दोस्ती है, तो इनके घर हम उस दोस्ती की वजह से आए हैं। हम सात घर का प्रसाद यहाँ रख दिए हैं, देख सकते हैं सात घर का है। और अब हम आठवां नौवां और दसवां तीन घर और जा घर का सिंदूर लगाना और प्रसाद आपको नहीं दिखाई लेते हुए, क्यों? क्योंकि उस घर में कोई सूट करने वाला नहीं था, और जो थी वो लगा रही थी और लेडीज लोग थी, हमें भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा, इसीलिए हम आप लोग को नहीं सूट करते हुए दिखाए। ग्यारहवां घर है, ये हमें जब से हम लोग इस एरिया में शिफ्ट हुए हैं तब से ये हम लोग को इन्वाइट करते आए हैं, इनके हम तब से जा रहे हैं प्रसाद लेकर। जगह से अच्छा लाइट यहीं पर मिला है तो आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं, क्या हर जगह लाइट तो अच्छा मिला नहीं है। तो ये मेरा ग्यारहवां घर है और दो घर और बचा हुआ है। हम दो घर के प्रसाद कलेक्ट करते हैं, फिर घर जाते हैं, तो फिर सब प्रसाद खाएंगे, फिर आप लोग से वहीं पे बैठ के बात करेंगे। प्रसाद लेके हम घर आए हैं। अब जिम्मी यहाँ पर, जिम्मी बैठो, जिम्मी बैठो, जिम्मी को टिक्का कैसे लगा दें, जिम्मी बैठो टिक्का लगा देते हैं, ऐसे बैठो बैठो, हाँ ऐसे रहो, ऐसे टिक्का लगा देते हैं जिम्मी को। हम अपना में से सिंदूर पोंछ के टिक्का लगा दे रहे हैं, मेरा बच्चा का टिक्का नहीं लगा है छठ पूजा का। जिम्मी रुको टिक्का लगा रहे हैं, जिम्मी को टिक्का लगा दिए हैं, अब इसमें से प्रसाद देते हैं थोड़ा सा। लो जिम्मी प्रसाद लो, जिम्मी प्रसाद लो, जाओ खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, वहाँ नहीं, यहाँ 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 ई पर बैठ के खाओ, ई पर रुको, ई पर बैठ के खाओ, हाँ ई पर बैठ के खाओ, खाओ हाँ खाओ खाओ, बैठ के देखिए जिम्मी कितना अच्छा से बैठ के प्रसाद खाएगा, खाओ प्रसाद खाओ। अब हम आ जाएंगे बेटा के पास, आ जाएंगे तुरंत आ जाएंगे, है ना बाबू राजा बेटा के पास आ जाएंगे हम। जिम्मी पूजा भगवान करा के आ गए ना बेटा, देखिए जिम्मी मेरे से कैसे लग रहा है अभी, देखिए जिम्मी प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ, हाँ खाओ प्रसाद खा राजा, प्रसाद खाओ। एगो डॉगी से मिल के आए थे तुम्हारी दोस्त से, तुम्हारे दोस्त डॉगी से मिल के आए थे, बहुत प्यारा है, देखिए कितना प्यारा है, और प्यारा दिखेगा, बैठो जिम्मी हम आते हैं प्रसाद लेके, ठीक है खा। तो आ गए हैं सब जगह से प्रसादी लेके, अब हम आ गए हैं घर, और घर पर आ गए हैं, तो जिम्मी को देखिए यहाँ पे, जिम्मी को प्रसादी दिए हैं, जिम्मी प्रसादी खाया है और खा करके फिर यहाँ पर आ रहा है हमारे शाम पास, ऐसे देखिए इस तरह से। जिम्मी जिम्मी हाई कर दो, हाई कर दो जिम्मी, देखिए जिम्मी को। और सब जगह से प्रसादी ले लिए, टोटल काउंट हुआ तो 12 घर से प्रसाद लिए, हमको 12 घर से प्रसाद मिला,
बारह घर से हम प्रसाद लिए और बारह घर का प्रसाद कलेक्ट करके फिर हम अभी घर आ गए हैं। हम लगता है 6 बजे से प्रसाद लेने के लिए जब निकले, आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा पूरा टिक दिया गया है एकदम। और जिम्मी देखिए, आप देखा कि किससे बात कर रहे भाई, तो जिम्मी ऊपर क्या हो बेटा, जिम्मी जिम्मी क्या हो बाबू, क्या हो बेटा, वो जो डॉगी के पास से आए हैं ना, उस डॉगी का खुशबू लग रहा होगा इसको, इतनी हमको बहुत बहुत सूंघ रहा है, देखिए किस तरह से सूंघ रहा है, देखिए उस डॉगी का खुशबू है मेरे बॉडी पर। जो डॉगी के पास हम गए थे प्रसादी लेने के लिए, तो एक डॉगी है वहाँ पे, उसी का खुशबू है मेरे बॉडी पर, वो मेरे साथ खेल रहा था डॉगी, जाते इतना अच्छा डॉगी था, जैसे जिम्मी सबसे घुल मिल जाता है वैसे ही वो मेरे आगे पीछे से हट ही नहीं रहा था, मेरे पैर के नीचे सोया, देख खुजलाने के लिए कह रहा है एकदम। बहुत प्यारा डॉगी था, बहुत अच्छा लगा, रोमियो नाम था उसका, बहुत प्यारा था, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत क्यूट। वैसे एक बात बताएं, अपना बच्चा काला भी रहता है ना तो लोग को बहुत पसंद आता है, अपना बच्चा पसंद आता है, तो जिम्मी मेरा काला भी है ना फिर भी हमको बहुत स्मार्ट दिखता है, वैसे दूसरा का बच्चा भी कभी कभी पसंद आ जाता है लेकिन अपना बच्चा ज़्यादा पसंद आता है, तो वैसे ही जिम्मी मेरा काला भी है फिर भी हमको बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि सबसे स्मार्ट और सबसे खूबसूरत यही है। और प्रसाद लेके हम लोग आ गए हैं।